हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने वीवो फोन की बैटरी बैकअप को कैसे बढ़ा सकते हो। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो बिना देर के चलिए, मैं लेके चलता हूँ आपको अपने फोन के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाना है, वहाँ पे आपको कैसे अपने फोन की बैटरी को बढ़ाना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यार, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तभी आप जो अच्छे से वर्क कर पाएगी जो ट्रिक मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। और आपको करना क्या है कि आपको जो है वीवो के फोन में जैसे ही आओगे तो आपका एक अबाउट सेक्शन का ऑप्शन रहता है, या फिर यहाँ से डायरेक्टली आप जनरल में जाके सिस्टम मैनेजमेंट में, और यहाँ पे मिल जाता है अबाउट सेक्शन, ठीक है, इस पर क्लिक कर देने। और उसके बाद में देखो, एंड्रॉइड वर्जन के नाम से एक ऑप्शन रहता है, सॉफ्टवेयर वर्जन, ये देखो डेवलपर ऑप्शन, 4 से 5 बार जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन जो है वो इनेबल हो जाएगा। एंड इसके बाद में यहाँ से बैक हो जाना, ठीक है। जैसे ही आप बैक होगे तो यहाँ पे सिस्टम मैनेजमेंट में ही आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नीचे डेवलपमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिया गया डेवलपर ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे इसे फर्स्ट पहले ओपन कर लीजिएगा, ठीक है, ये बाद में ऑफ हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, इसे ऑन कर लीजिए। एंड इसके बाद में आपको करना क्या, आप नीचे जाइए, ठीक है, स्क्रॉल डाउन कीजिए, देखिए दूसरी सेटिंग्स कोई और ऑन मत कर लीजिएगा, जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ वही आप चेक कीजिएगा, वरना आपको हो सकता है कि कोई और प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है ध्यान से, ठीक है। आप जो स्क्रॉल डाउन करते चले जाइए और नीचे चले जाइए सबसे नीचे, तो गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको देखने को, ये बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो लिमिट है वो स्टैंडर्ड लिमिट है। इसका मतलब मैं आपको बता दूँ, जब भी हम कोई ऐप यूज करते हैं गाइस, ठीक है, यहाँ पे जो ऐप यूज करते हैं तो वो रिसेंट में यहाँ पे दिखाई देते हैं, बाकी हम यहाँ से क्लोज भी कर देते हैं ना, फिर भी यहाँ पे जो है वो बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं और हमारे फोन की जो बैटरी है वो बहुत ही बुरी तरीके से खाते रहते हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या, ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप नो बैकग्राउंड प्रोसेस कर दो तो यहाँ पे आपको हो सकती है प्रॉब्लम। वो क्या, जैसे कि मान लीजिए कोई आप व्हाट्सएप चला रहे हो और व्हाट्सएप को आप जो है क्लोज कर दोगे तो अगर मैसेजेस वगैरह आएंगे तो भाई बैकग्राउंड में तो रन कर नहीं रहा, तो जो आपके मैसेज वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, प्रॉब्लम होगी, ऐसा का मतलब आप समझ सकते हो, ठीक है। वो बाद में ही देखने को मिलेंगे जब आप ऑन करोगे रिसेंटली। और अगर आप जो एक काम करते हो कि मस्ट प्रोसेस 1 पे कर देते हो तो यहाँ पे आपका एक ऐप जो है बैकग्राउंड में रन करता रहेगा, जो आप रिसेंट करोगे वो रन करता रहेगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को करना क्या है, कम से कम जो 4 या फिर 3 ऐप जो है 3 या 4 पे क्लिक कर दीजिए। मैं यहाँ 3 पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में होगा क्या, आप जैसे 3 पे क्लिक करोगे तो आप जो कोई भी ऐप वगैरह यूज करोगे तो आसानी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फालतू के ऐप जो है वो बैकग्राउंड में रन नहीं करेंगे। और बैकग्राउंड में गाइस रन नहीं करेंगे तो आपकी बैटरी जो है वो काफी लॉन्ग टाइम तक चलेगी और दुगना बैकअप आपको दे देगी। अब चलिए एक चीज और मैं बताता हूँ, यही एक ट्रिक नहीं है, आगे मैं एक चीज और बताऊंगा फ्रेंड्स। अब आपको करना क्या है, आपको एक ऐप की जरूरत पड़ने वाली होती है, ठीक है, एक ऐप को आपको डाउनलोड करना रहता है, ठीक है। तो आपको जो है सीधा सा प्ले स्टोर पर चले जाना है, ठीक है, वहां से आपको डाउनलोड करना है। चलिए कौन सा ऐप है मैं आपको बता देता हूँ गाइस, ठीक है। आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है, ठीक है, अपने वीवो के डिवाइसेस में। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे बूस्ट एंड्रॉइड बूस्टर लिखना है, ठीक है, एंड्रॉइड, ओके, ठीक है, ये यहाँ पे एंड्रॉइड आप लिखिए, एंड्रॉइड बूस्टर, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एंड्रॉइड बूस्टर के नाम से एक ऐप आ जाएगा ये फर्स्ट में, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, इसको इंस्टॉल करने होने दीजिए, ठीक है, आपको इसे याद से इंस्टॉल कर लेना है, ये बहुत ही जरूरी है गाइस, ठीक है। मैं आपको आगे बताऊंगा इसका जो एक काम क्या है, ठीक है, ओके। फाइनली यहाँ पे जो इंस्टॉल हो चुका है, और थोड़ा सा हम इंस्टॉल होने तक वेट कर लेते हैं गाइस थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पे समथिंग इंस्टॉल हो चुका है, 99 हो गया और 100 भी कंप्लीट हो चुका है समथिंग, तो ये देखो 100 हो गया, इंस्टॉल हो रहा है बाकी बस, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको गाइस करना क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे फाइनल हमारा ऐप जो है वो इंस्टॉल तो हो चुका है, और अब जिसे ओपन कर लेंगे गाइस, ठीक है, यहाँ पे आ चुका होगा हमारा ऐप, इसको ओपन कीजिए। और जैसे ही आप इसे ओपन करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, स्टेट पे यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे यस या नो कुछ भी क्लिक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, काफ़ी अच्छा ऐप है, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे जो है आपकी बैटरी बैकअप को बढ़ा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकिए, और यहाँ पे जो स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम ले लेगा, ओके, फाइनली स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, रैम बूस्टर और जो बैटरी का टेम्परेचर, और ठीक है, हमें फालतू पे ध्यान नहीं देना है, बैटरी के लिए आए हैं तो हम बैटरी पे क्लिक करेंगे। और बैटरी पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए नॉर्मल मोड, अल्ट्रा मोड, और ये देखिए एक्सटर्नल मोड, यानी कि मेरी 20% बैटरी है। नॉर्मल मोड में मेरी समथिंग ये 1.5 घंटे तक चल जाएगी अगर मैं ज़्यादा यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। और अल्ट्रा मोड में अगर मैं इस पर क्लिक करके, इस पर तो ऑलरेडी है ही, ठीक है, तो इसमें मेरी 1 घंटे 30 मिनट तक चल जाएगी गाइस, ठीक है, ओके। और अगर मैं कर रखता हूँ इसको अल्ट्रा मोड पर, तो यहाँ पर मेरी बैटरी जो है वो चल जाएगी
4 घंटे 45 मिनट तक ये जो भी मेरी बैटरी है 19%, ठीक है अभी सेट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ ऐप की लिमिट मिलेगी गाइस, ठीक है यहाँ पे। और लेकिन अगर आप जो ये जो सारी लिखी हुई आएगी डिटेल्स, अगर एक्सटर्नल मोड पे अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपकी सारे बैटरी काफी लॉन्ग चलेगी, लेकिन यहाँ पे ज्यादा ऐप जो यूज नहीं कर पाओगे गाइस, ठीक है। आपको फोन में जो ही डायलर और मैसेज वगैरह ही आप कर पाओगे, ये सारी चीजें जो ऑफ हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से आप जो ये वाला मोड ओके कर सकते हो, और यहाँ पे जो इस पे जैसे क्लिक करोगे आपकी बैटरी जो है वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस देती रहेगी, ठीक है। जिस भाई ने भी इस ट्रिक को अप्लाई किया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करना कि आपके फोन में ये जो वर्क करी या नहीं, ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट का ये बैकअप यहाँ पे दिखा रही है। ओके, इसको जो इजिली आप अप्लाई किए, यहाँ पे साफ साफ लिखा आ चुका है प्लीज ग्रांट दिस परमिशन, ठीक है। यहाँ पे आपको परमिशन देने रहेगी इस ऐप को, तभी ये काम कर पाएगा बैकग्राउंड में। ओके फाइनली यहाँ पे ये देखो आपके फोन में जो है सेट हो जाएगा, वो थोड़ा सा वेट कीजिए। और यहाँ पे 100 कंप्लीट, तो देखिए यहाँ पे ऐड कंप्लीट होते ही आपके लिए जो भी जो फीचर्स था ये वाला वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आप वीडियो को स्किप कर सकते हो और यहाँ पे जो फाइनली अप्लाई हो गया, उसके बाद होगा कि आपकी जो ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ये अपने हिसाब से रख देगा। तो आपको इतनी ही ब्राइटनेस में फोन को चलाना रहेगा, जिस चीज़ को ये ऑफ करना चाहें कर लें। उसके बाद आपकी जो बैटरी है वो अच्छा बैकअप देगी और आपका फोन जो है काफ़ी अच्छे से चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो कि आपके फ़ोन की अगर कोई बैटरी को बढ़ाना है तो ये ट्रिक अगर आप लोगों ने यूज़ नहीं किया तो यूज़ कीजिए। तो आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।